जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में युवक ने फेसबुक पर भगवान राम और माता सीता पर की अभद्र टिप्पणी। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही के लिए कोतवाली प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में चंदौसी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस विषय में हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष ईशांक गोयल ने बताया कि युवक ने फेसबुक पर भगवान राम और माता सीता के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, जिससे लोगों की भावना आहत हुई है, जिस पर कार्यवाही के लिए हम लोगों ने कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम ईशांक गोयल है, मैं नगर संयोजक हूँ हिंदू युवा वाहिनी से। क्या मामला है आज आपने भी कोतवाली साहब को? आज किसी अभियुक्त तो अमित कुमार अम्बेडकर ने क्या कहते हैं भगवान श्री राम तथा माता श्री सीता के ऊपर क्या कहते हैं गलत टिप्पणी करी है, जिसके ऊपर हम सभी हिंदू युवा वाहिनी के सब पदाधिकारियों में रोष है, जिसमें हम सभी हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता मिलकर आज कोतवाल साहब को तहरीर देने आए हैं, जिससे क्या उस अभियुक्त के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम सभी चाहते हैं कि भगवान श्री राम के खिलाफ गलत कर रहा है, जबकि वो हिंदू हो कैसे कर रहा है। हम किस सभी धर्म का सम्मान करते हैं, फिर भी क्या कहते हैं भाई भगवान श्री राम के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहा है फेसबुक के माध्यम से। हम सभी इसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करेंगे। हम आशा करते हैं कि पुलिस उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करें, और हम सब हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता आप पुलिस के साथ बिल्कुल साथ हैं, और हम वैसे किसी चीज़ में कोई समस्या नहीं करते हैं, मगर अब भगवान श्री राम के खिलाफ कोई बोला जाएगा तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल सवाल उठाएंगे। और हम सब ये आशा करते हैं सभी कार्यकर्ता तथा सभी पदाधिकारी कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद।